अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। बहावलपुर से कुछ मेहमान आए, मैं बड़ी हैरान। मैंने कहा पता नहीं कौन है। मैंने बाहर जाके देखा तो एक बहुत ही अच्छे से इंसान अपनी बीवी और अपनी बेटियों के साथ आए। नहीं पता मेरी बेटी जिंदा है मर गई है, खुदा दे वास्ते मैं इल्तजा कर रही हूं तुम्हारे आगे, मेरे को बच्ची मिल मुझे, मेरे को दुनिया की कोई शायद जरूरत है नहीं। मेरी अपील है इमरान खान, मेरी बेटी मुझे वापस दिलवा दे, मैं तो ये बेटी के लिए जिंदा नहीं रह सकता, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, बेटी नहीं छोड़ सकता। मैं स्कूल जाने से बहुत डरती हूँ क्योंकि वो धमकी देते हैं कि बाकी सबको भी उठा लेंगे। इस तरह उनकी बेटी जो है वो पिछले 4 माह से लापता है और जिन लोगों ने उनकी बेटी को अगवा किया था वो पहले मानते रहे कि हमारे पास है, अब वो कहते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। उसके जूते और दुपट्टा उनको कहीं पर मिल गया है लेकिन बेटी नहीं मिल रही। उसके बाद बहावलपुर की जो पुलिस है उन्होंने इनसे 60,000 रुपये लेकर इनका पर्चा काटा, पैसे लेकर, क्योंकि वो मुफ्त में नहीं काट रहे थे। उसके बावजूद अब वो पुलिस ही इनको धमकी दे रही है कि वो इनकी बाकी बेटियों को भी उठा लेंगे और इनको मारते पीटते हैं और इन्हीं को तंग करते हैं, और जिनके पास वो बेटी है उनसे वो पूछताछ नहीं कर रहे। उठे अजाना दे टाइम आ दे फातिमा बीबी कह नहीं, मैं कि इथाई की थाई हूं उसी आखे मैं हर पास से डिठी डिठी खाना फातिमा बीबी कह नहीं। बुल्ले साले मेरा साथ नहीं देंदे, डीपीओ में को आ दे, मैं तेरी ना सा गया तू आ गई है मुंह चा दे के मार के निकाल ला। इको के कौन बंदा है जे को नाल की दी वदी है, मैं कि मैं तो को निकाह चा दे दिखावा मेरा खावा दे, मैं को धक्के दे दे बाहर कड चले ने, मैं कि तो मजा इंसाफ गिन खुदा दा वास्ता वे जे को बने देवे हर घर च दी वीड़ी ਮੇਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਣੇ ਜੀ ਉਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਵੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰ ਸਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋ। ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੇ ਮਾਲੀ ਹੂੰ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਲੋਗਾਂ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇ। ਸੁਬਾ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਖੁਲੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਾਇਬ ਥੀ, ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਕੋ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਯਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, कहती है कि इधर के वॉशरूम में होगी, देखा सारी तरफ देखा ना कहीं भी ना मिली। थाना कौन सा? सदर थाना बावलपुर। एसएचओ कौन है? आजम कल्लू। आजम कल्लू, आजम कल्लू। तो थाने वालों का रवैया आपके साथ कैसा है? थाने वालों का रवैया ये है कि उन्होंने मेरे घर की सर्च की है, मेरे पूरी फैमिली का डेटा लिया उन्होंने, मेरे ही घर की तशवीश कर रहे हैं बार बार। वो एसएचओ आजम कल्लू जो है ना वो मुल्ज़िम के साथ मिला हुआ है, वो भारी रकम लेके ना उल्टा हमें धमकियाँ देता है कि ये मुकदमे के राजीनामा कर लो नहीं तो तुम्हारी दूसरी बेटियां भी वो उठा लेंगे। मुझे उल्टा मार पीट के वो कहते हैं कि आप ये एफआईआर वापस ले लो। अबे असगर जो ये चैलेंज करता है कि जब तुम बेटी ले जाओगे तुम्हें मान लूंगा मैं। अब मदीना जैसी रियासत में बेटियां महफूज नहीं रही, अल्लाह करे, मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे किसी को बेटियां पैदा भी ना जिसमें बेटियां महफूज ना हो। सनम कदा है जहाँ।